अकेडमिक तो प्रोग्राम्स जैसा कि मैंने बात किया था अकेडमिक प्रोग्राम्स के बारे में तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बारे में जो अकेडमिक प्रोग्राम है तो ये इस प्रकार है सॉफ्टवेयर लैब्स विथ लाइसेंस सॉफ्टवेयर यहाँ पे सॉफ्टवेयर लैब्स प्रोवाइड है उसके साथ साथ कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर यहाँ पे इस सिस्टम में डाला हुआ है जो एक अच्छे लेवल का सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम लोग अच्छे तरीके से कोडिंग कर सकते हैं ठीक है और सेकेंड है वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ये काफ़ी मैटर करता है उसके साथ साथ यहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा बेस सिस्टम सिस्टम प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर तो ये कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है और यहाँ पे आपको एक फोटो भी दिख रहा होगा तो यहाँ पे आपको फोटो भी दिख रहा होगा ठीक है अब हम नेक्स्ट वन बात करते हैं बीटेक इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के बारे में तो यहाँ पे एडवांस इलेक्ट्रिकल लैब है उसके साथ साथ एडवांस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेबोरेटरी है उसके बाद इलेक्ट्रिक मशीन लैब है उसके साथ साथ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब है उसके साथ और यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक लैब है उसके बाद एस एस लैब है माइक्रो प्रोसेसर लैब है जितना कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एन पटना जैसे कॉलेजेस में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए लैब होता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए उतना लैब यहाँ पर अवेलेबल है उसके बाद हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए तो सिविल इंजीनियरिंग के प्रॉपर लैब यहाँ पे है एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग लैब उसके बाद बिल्डिंग साइंस लैब इंजीनियरिंग जो जियोलॉजी लैब एंड फ्लूट मैकेनिक्स लैब मटेरियल टेस्टिंग लैब उसके साथ कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी लैब एंड उसके साथ साथ सर्वेइंग लैब है तो जितना कि सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच वालों के लिए पढ़ना होता है और उसको लैब की जितना ज़रूरत होता है उतना यहाँ पर लैब फुलफिल्ड है अब लास्ट वन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए तो यहाँ पे प्रॉपर वर्कशॉप है और साथ में कुछ कुछ गाड़ियों का इंजन भी रखा हुआ है जो कि आप यहाँ पर जा कर के प्रैक्टिकली लैब को भी यूटिलाइज कर सकते हैं यहाँ पर अगर आप पढ़ते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उसके साथ साथ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लैब है उसके बाद फ्लूड मैकेनिक्स मेकानि, लैब है तो फ्लूड मैकेनिक्स ऑब्वियस है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है